हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 टर्म 1 का कंप्लीट कर लिया था, जो कि पेज नंबर 5 पे था। आज हम देखेंगे पेज नंबर 6 पर, जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस कंटेंट में, तो देखो टर्म 1 का यूनिट 1 जो फ्लोराइन फाउना था, इसका हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर जो था कोन बियरिंग ट्रीज, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। आज हम करेंगे प्लांट क्वेज, ठीक है, सेकंड चैप्टर, जो कि पेज नंबर कितने पर है, 6 पेज नंबर पे है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा चैप्टर। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्लांट आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लांट हमें हमें दुनिया के हर पार्ट में हमें प्लांट देखने को मिल जाते हैं। दे मे डिफरेंट इन शेप साइज ड्यू टू ज्योग्राफिकल फ्यूचर्स, उनका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है ना। ज्योग्राफिकल फ्यूचर्स मीन्स किस एरिया में वो ग्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उनका ज्योग्राफिकल फीचर्स, बट परफॉर्म द सेम लाइफ प्रोसेस, लेकिन सारे के सारे सेम लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे बाद में। टेक अप द फॉलोइंग क्विज एंड असेस योर नॉलेज अबाउट प्लांट्स। अब हमें क्या करना है, ये थोड़े से क्लू दिए हुए हैं और इससे हमें पता करना है ये प्लांट कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें, नेम द फॉलोइंग यूजिंग द हेल्प बॉक्स, है ना। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, देखो नीचे दिया हुआ है हमारे लिए ये हेल्प बॉक्स, इसको यूज करके हमें क्या करना है, इनके आंसर देने। सबसे पहले लिखा हुआ है द टर्म यूज्ड फॉर साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट प्लांट को स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, कौन सा टर्म बोला जाता है उसके लिए, है ना। द टर्म यूज्ड फॉर साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स, तो इसको बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोटानिस्ट, BOTANISTS। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। तो जो साइंटिस्ट प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम बोटानिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बोटानिस्ट। इसके बाद सेकंड वाला देखें, प्लांट दैट ट्रैप इंसेक्ट फॉर फूड, है ना। वो प्लांट्स जो क्या खा लेते हैं, इंसेक्ट तो खा लेते हैं, ठीक है, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, तो प्लांट्स भी क्या कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं एज अ फूड। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ INSECTIVORES, ये आप हेल्प बॉक्स में भी देख सकते हैं। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले में लिखा हुआ है द जैपनीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्रीज इन पोर्ट्स, है ना। तो जैपनीज आर्ट है ये ग्रोइंग डार्क ट्रीज इन पोर्ट्स, पोर्ट्स में ये क्या कर देते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं, जैपनीज आर्ट है ये, तो इसको बोलते हैं, ये इस तरीके के जो प्लांट ग्रो करते हैं इनको बोनसाई बोलते हैं, BONSAI। ठीक है, तो अगर आप हेल्प बॉक्स में भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा बोनसाई, देखो कहाँ पर है, इसमें लिखा होगा ये है बी वाले पार्ट में, है ना, बोनसाई। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में लिखा है द स्वीट जूस दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम प्लांट टू मेक हनी, है ना। तो जो बीज जो रहती है, मधुमक्खियां रहती हैं, वो स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं जिससे वो हनी बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो कहाँ से, प्लांट के कौन से पार्ट से वो लेती हैं, तो वो नेक्टर से लेती हैं, है ना, NECTAR, NECTAR। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ वाले का आंसर। फिफ्थ वाले को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो द प्रोसेस इन विच वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं प्लांट की उससे पानी एवेपोरेट हो जाता है, वाटर एवेपोरेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखो धूप में अगर प्लांट रखा रहता है तो धीरे धीरे उसका पानी जो रहेगा, वाटर जो रहेगा, उसका क्या एवेपोरेट हो जाएगा ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, TRANS, एक सेकेंड लिखता हूं मैं यहाँ पे, TRANSPIRATION, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सिक्स्थ वाले पे आते हैं, प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट डेट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स, ऐसा कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो कि वाटर और मिनरल पहुंचाता है लीव्स तक। ठीक है, वाटर और मिनरल लीव्स तक पहुंचाता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, तो वो होता है जाइलम, है ना, जाइलम, XYLEM, जाइलम। ठीक है, जाइलम भी बोल सकते हैं। तो सेवेंथ वाला देखते हैं, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। तो
हमारी जो लीव्स में हरा कलर किसकी वजह से आता है, जो लीव्स होती है ना उसमें ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, जो कि यूज करते हैं प्लांट, है ना, किसके लिए, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिले और वो अपना खाना बना पाए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो इसका सेवेंथ का जो आंसर होगा ये बहुत ही ईजी है, क्लोरोफिल, ये आपको याद रखना चाहिए, बड़ी क्लासेस में भी आपको बहुत काम आएगा, है ना। सी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर सेवेंथ का। अब हम देखते हैं एट्थ वाला, द ट्री विच शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। तो वो ट्रीज जो कि क्या कर देते हैं, अपनी लीव्स गिरा देते हैं ऑटम सीजन में और वापस से न्यू लीव्स ग्रो कर आ जाती है उनमें स्प्रिंग सीजन में, तो इन ट्रीज को क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रीज को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम डेसीडियस, है ना, डेसीडियस, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डी ई सी आई डी यू ओ यू एस, ये हो गया हमारा एट्थ वाले का आंसर। नाइन्थ वाला देखते हैं, द लॉन्गेस्ट प्लांट विदाउट अ ट्रंक, सबसे बड़ा प्लांट जिसमें ट्रंक नहीं होती है, लॉन्गेस्ट प्लांट विदाउट अ ट्रंक, ये बहुत ही फैमिलियर प्लांट है, बताओ कौन सा, ये है हमारा बनाना ट्री, है ना, तो बी ए एन ए, बी ए एन ए एन ए, तो बनाना प्लांट होता है हमारा ये, ठीक है। तो नाइन्थ हो गया, अब हम टेंथ देखते हैं, टेंथ वाले में देखेंगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है, द ट्री हूज ब्रांच इज यूज एज अ सिंबल ऑफ पीस, वो ट्री जिसकी ब्रांच जो होती है उसको हम एज अ सिंपल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक मानते हैं, तो इसको ये जो होगा ना, इसका आंसर होगा हमारा ऑलिव ट्री, है ना, ओ एल आई वी ई, ओ एल आई वी ई, तो इसका आंसर ऑलिव होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 11 पे, ऑलिव ट्री को हम क्या मानते हैं, शांति का प्रतीक मानते हैं उनकी ब्रांचेस को। 11, द कोआला बियर इज फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ दिस ट्री, है ना, कोआला बियर जो रहते हैं ना वो इस लीव्स, इस ट्री की लीव्स के पास पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो देखो यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं, हेल्प बॉक्स की भी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, ई यू सी एकॉल्प्टस, है ना, एकॉल्प्टस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई यू सी ए एल वाई पी टी यू एस, ये हो गया हमारा आंसर किसका, एल वाले पार्ट का, है ना, सॉरी मींस एल जो था वो हेल्प बॉक्स में लिखा हुआ है, मींस 11th वाले का आंसर। अब हम देखते हैं 12th वाला, अ वाटर प्लांट दैट डज नॉट हैव रूट्स स्टेम और लीव, ऐसा वाटर प्लांट जिसकी क्या नहीं होती है, ना तो रूट होती है, ना ही स्टेम होती है, ना ही लीव्स होती है, तो ये कौन होता है, ये होता है एल्गी, है ना, ए एल जी ए ई, इसको हमें क्या लिख देना है, ए एल जी ए ई, है ना, तो ये हो गया इसकी, ना तो स्टेम रूट कुछ नहीं होता है, लीव्स भी नहीं होती है, है ना, आपने देखा होगा मींस, चलो कोई पॉन्ड्स के पास देखते हैं तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का वो दिखता है ना, वो होता है एल्गी। इस तरीके से 13th वाला देखते हैं, 13th वाले में लिखा हुआ है अ स्पेसीज दैट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, वो स्पेसीज जो हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं उसको, तो ये तो आप जानते होंगे कि कौन सी लीव्स होती हैं, मींस है कौन सी स्पेसी स्पाइस, सॉरी स्पाइस जो कि यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक की तरह, तो ये हमारा टर्मरिक, क्या है, टर्मरिक, टी यू आर एम ई आर आई सी, टी यू आर एम ई आर आई सी, टर्मरिक, तो ये हो गया हमारा 13 का आंसर। अब 14 वाला देखते हैं, 14 में क्या लिखा हुआ है, देखो कोनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस ट्री, है ना, ये जो एक सब्सटेंस है जो एक ट्री की बार्क से ऑब्टेन्ड होता है, तो ये कौन सा है हमारा 14th वाले का आंसर, तो ये होता है चिंचोना ट्री, है ना, कहाँ पर है, यहाँ पे देखो ये सबसे पहले चिंचोना, सी एच आई एन सी एच आई एन सी एच ओ एन ए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14th का आंसर। 15 देख लेते हैं, द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, सबसे तेज जो प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है ना, सबसे तेज बड़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बैम्बू, बैम्बू प्लांट, तो देखो एफ भी लिखा ना, बी ए एम बी डब्ल्यू, बी ए एम बी डब्ल्यू, तो ये हो गया हमारा 15th का आंसर, है ना। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, जो कि पेज नंबर पे किस पेज नंबर पे था, 6th पेज नंबर पे था, ठीक है। तो बस अगर पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे ना, जो भी चैप्टर में डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो वो पूछना,
और सारी वीडियोस की लिंक एक सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं ना, जो जो वीडियोस बनती जाएगी उनकी सारी वीडियोस वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।